कैसे हुई दुर्घटना? बड़ी बलिया घर है, बड़ी बलिया से पोखरिया डेली ट्यूशन के लिए जाता था। आज भी जा रहा था सुबह, उधर से गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे कोई और गाड़ी थी, ओवरटेक किया, सामने सामने इसको ठोक दिया, गिरते हुए गड्ढा में गया। लोग कितने बजे घटना? 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ। क्या नाम था उनका? मोहम्मद अकबर। साइकिल जा रहे थे? साइकिल जा रहे थे। एक्सीडेंट स्थली पोखरिया। जो मर गया उसको न्याय होना चाहिए, तत्काल राशि उसको मिलना चाहिए, हम लोग ये उसको भी मुआवजा मिलना। और उनका बहुत ही दयनीय, साइड में से जा रहा था, हाँ, चार गाड़ी था उसके साथ हफ डलिया। अच्छा। चार में से मतलब जो है तीन निकल चुका, पीछे वाला आकर के साइड में भी बाइक खड़ी हुई है, उसी जगह मारा है वो आदमी। हाँ जी जी, आप खुद से देखे? हम लोग स्लीपर से देखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN City लाइव न्यूज, मैं हूं अनिकेत सिन्हा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के बड़ी बलिया पोखरिया ढाला के पास, और यहां आप देख सकते हैं जो भीड़ देख रहे हैं, यहां पर एक दुर्घटना घटी थी जो आज सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। एक शिक्षक थे जो ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे, सड़क जाम देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। आइए उनके परिजन से जानने का प्रयास करते हैं कि तेज रफ्तार का कार कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, उनके परिवार के परिजन से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हुई दुर्घटना? बड़ी बलिया घर है, बड़ी बलिया से पोखरिया डेली ट्यूशन के लिए जाता था, आज भी जा रहा था सुबह, उधर से गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे कोई और गाड़ी थी, ओवरटेक किया, सामने सामने इसको ठोक दिया, गिरते हुए गड्ढा में गया। लोगों को देखा सुबह 5:30 बजे। कितने बजे घटना? 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ। क्या नाम था उनका? मोहम्मद अकबर। साइकिल जा रहे थे? साइकिल जा रहे थे। यार बड़ी बलिया है, एक्सीडेंट स्थली पोखरिया, यही ट्यूशन पढ़ाने आता था, पढ़ाने आते थे। हाँ, अज्ञात वाहन था, कोई देख नहीं सके, देख नहीं पाया। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग उसका जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। उनका उम्र कितना था? 40 साल। 40 साल। मांग आई है सर। आप उनके बड़े भाई? हम बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। क्या बोलना चाह रहे हैं? जो मर गया उसको न्याय होना चाहिए, फिलहाल तत्काल राशि उसको मिलना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। गलत बात प्रशासन द्वारा? क्या प्रशासन के द्वारा अभी कुछ ऐसा बात नहीं आया है जी? नहीं, कुछ अभी नहीं दिया है। दो लड़की है, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, दो लड़की है, दो लड़की है सर, फैमिली है समझे, और उनका बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक नहीं है समझे। जो है वो बच्चे लोग को सब चीज की देखभाल कर रहा था, मुआवजा तो हर हाल में चाहिए सर, नहीं तो कैसे फिर काम चलेगा सर, बाल बच्चा है समझे ना। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा आप ये कीजिए जो कि इन लोग इसको न्याय हो मिल जाए। क्या बोल रहे हैं जी सर? प्रशासन के अभी कुछ नहीं बोला है सर, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है जी। बस अभी एक घंटा पहले हुआ है, एक घंटा हो गया है। बस यही कहेंगे सर कि बस हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, और तुरंत में क्विक में कुछ आर्थिक मदद मिलना चाहिए। ये घटना हुई है, साइड में से जा रहा था, हाँ, चार गाड़ी था उसके साथ हफ डलिया। अच्छा। चार में से मतलब जो है तीन निकल चुका, पीछे वाला आकर के साइड में मारा है, वहाँ पे अभी भी बाइक खड़ी हुई है, उसी जगह मारा है वो आदमी। हाँ जी जी, आप खुद से देखे? हम लोग सीढ़ी पर से देखे हैं, एजेंसी से गाड़ी निकल के गई, हम लोग सीढ़ी पर से देखे, लास्ट में अपना ठेला निकाले कि उसको लेके पहुंचाएंगे जल्दी, बाद में टोटो वाला बेचारा आया, उससे भेजा गया उसका बॉडी को, अब समझ लीजिए हॉस्पिटल जाते जाते डेट खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही होगा, जो भी फैसला होगा यहीं पे होगा, इसी रोड पे, वहाँ जाने के बाद कोई फैसला नहीं। प्रशासन आया हुआ है, रहने दीजिए प्रशासन, हम मेरा कहने का मतलब है जो भी होगा फैसला यही होगा, वहाँ जाने के बाद कोई फैसला नहीं होता है, ये बात हमको मालूम है पूरा। कोई बात नहीं बता रही है प्रशासन, ये टाल बटाल सिर्फ कर रहा है, ले यहाँ ले चलिए, वहाँ ले चलिए, हाँ, किसी तरह का कोई संतोषजनक बात अभी तक नहीं बताई। क्या होना चाहिए, किस तरह से उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, वैसा आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, बच्चे को ट्यूशन दे के किसी तरह अपना बाल बच्चे को परवरिश करता था, दो लड़की है इसके पीछे, आगे पीछे कोई सा बैकग्राउंड मजबूत भी नहीं है, उसका जो मुआवजा बने सरकार की तरफ से दिया जाए, यही कहा जाएगा, प्रशासन उसमें सपोर्ट करे, लेकिन प्रशासन लापरवाही अभी तक कर रहा है, किसी तरह का कोई सपोर्ट वाला बात नहीं, टाल बटाल यहाँ ले चलिए, बलिया ले चलिए, वहाँ ले जाइए। मॉर्निंग में फर्स्ट में बराबर स्कूल मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए हो जाता है, मॉर्निंग में हर रोज़ में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा भी घर इसी जगह पर रोड पे है, हर रोज़ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आज हम देखे साइड में, यानी जब जा रहा था साइड से, उसने साइड में जाके मारा है,
साइड में जाकर मारा, साइड में मारा। अगर रोड में मारता तो कोई बात नहीं था कि चलो मार के पार हो गया, वो भाग गया, मार के भागा वो। जब तक अस्पताल गया तब तक डेट मृत्यु हो। हाँ डेट ले।